आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान तरीके से केक बनाने की रेसिपी। तो इस केक को बनाने के लिए ना ही इसमें अंडे का इस्तेमाल करेंगे और ना ही चीनी का। बहुत ही आसान तरीके से ये जो केक है बनकर तैयार होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और रेसिपी अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गैस के ऊपर मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई को रख दिया है। अभी इसमें इस तरह से कोई बर्तन या कोई ढक्कन या फिर जो स्टैंड होता है वो रख दीजिए और उसके बाद ढक्कन से ढक कर रख देंगे। गैस के फ्लेम को लो रखेंगे और इसे 10 मिनट तक अच्छे से गर्म होने देंगे। तो इसको रख देंगे गर्म होने के लिए। तो जब तक कढ़ाई गर्म हो रहा है तो चलिए फटाफट से केक की बैटर को बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बाउल, इसमें डाल देंगे दूध। तो मैंने यहाँ पे हल्का सा गर्म दूध लिया है और अभी इसमें डाल देंगे 2 चम्मच विनेगर। अगर आपके पास विनेगर ना हो तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और विनेगर डालने के बाद इस तरह से चम्मच की मदद से थोड़ा मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमारा बटर मिल्क बनकर तैयार है। और अभी इसमें ऐड करेंगे गुड़। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कप जितना गुड़, वो डाल देंगे। तो मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है ना, आज जो केक बनाएंगे इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल किया है। और गुड़ डालने के बाद अच्छे से गुड़ को दूध के साथ मिक्स कर लेंगे। तो अभी देख सकते हैं मैंने गुड़ को अच्छे से दूध के साथ मिक्स कर लिया है। अभी इसमें डाल देंगे तेल। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल जो रिफाइंड ऑयल आता है वो डाला है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऑयल को। और ऑयल को मिक्स करने के बाद अभी इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप जितना वेनिला एसेंस, और वेनिला एसेंस को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी इसमें डाल देंगे 1 कप मैदा। तो मैंने मैदे को अच्छे से पहले से ही छान के रखा है। तो इसमें मैदे को डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो मैदा ना मैंने यहाँ पे 1 कप और 1/2 कप का इस्तेमाल किया है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फिर से 1/2 कप डाल दिया है मैदा और फिर से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। अभी इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जितना बेकिंग पाउडर और 1/2 चम्मच से थोड़ा कम इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा। और इन दोनों को डालने के बाद थोड़ा मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अभी हमारा जो बैटर है कुछ इस तरह का होना चाहिए। तो इस बैटर को रख देंगे साइड पे और मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 केक टिन। इसमें थोड़ा ऑयल डाल देंगे और ऑयल डालने के बाद अच्छी तरह से चारों तरफ ऑयल को लगा लेंगे। मैंने यहाँ पे अच्छे से ऑयल को लगा लिया है। अभी इस तरह से बटर पेपर रख लेंगे इसके ऊपर। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप मैदे से भी डस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बटर पेपर को लगा लिया है। अभी केक की बैटर को डाल देंगे और इस तरह से थोड़ा डेप डेप करेंगे। तो अभी इसको रख देंगे साइड पे। और कढ़ाई जो रखा था ना गर्म होने के लिए, तो 10 मिनट हो चुका है, कढ़ाई गर्म हो चुका है। तो अभी केक की बैटर को डाल देंगे और इसको ढक्कन से ढक कर रख देंगे और गैस के फ्लेम को लो रखेंगे और इसे 30 से 40 मिनट तक अच्छे से बेक होने देंगे। तो अभी 1/2 घंटा हो चुका है, ढक्कन को हटाएंगे और हमारा जो केक है इसको चेक करेंगे अच्छे से बेक हुआ है या नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं अच्छे से हमारा जो केक है वो बेक हो चुका है। तो गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो केक हमारा पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। और अभी इस तरह से चाकू लेंगे और चारों तरफ इस तरह से चाकू की मदद से छुरा लेंगे। और अभी इस तरह से एक प्लेट को उल्टा करके रखेंगे और फिर से सीधा करेंगे और केक टिन को हटा देंगे। और उसके बाद जो बटर पेपर है इसको भी निकाल लेंगे। तो ये जो केक है ना खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसको सीधा करके मैं दिखाती हूँ। तो बिना अंडे के और बिना चीनी के बहुत ही आसान तरीके से ये केक बनकर तैयार हुआ है। तो मैं आपको केक को कट करके दिखाती हूँ। बिना अंडे और बिना चीनी के बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार हमारा जो केक है बनकर तैयार हुआ है। और बहुत ही नरम एंड सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ है, देख सकते हैं। तो आप भी इस तरह से इस केक को बनाकर जरूर ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए। मेरी रेसिपी को मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय फ्रेंड्स।